आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट एनरोल्ड है, इस सब्जेक्ट में वर्चुअल का वर्ड यूज हो रहा है, और आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है? इज देयर एनीवन जिसने वर्चुअल मशीन के ऊपर काम किया हो? जी मैम, मैंने की थी आपने की थी? किस लिए की थी? मैम। मुझे एक सॉफ्टवेयर करना था, तो हाँ वो मतलब कि नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मतलब कि एक वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया था, जो कि मेरे एक कंप्यूटर में दूसरा कंप्यूटर उसने ऐड कर दिया, तो ठीक तब वो है इजीली मतलब कि उसमें हो गया था। वो ठीक मतलब कि है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम एक और चलाना हाँ था, लाइक लिनक्स वगैरह, मैंने उबंटू हाँ चलाया था, तो अच्छा वो मुझे मतलब के उसके लिए वर्चुअल बॉक्स मतलब भी करना पड़ा था। ठीक है। मैं आप लोगों को पहली असाइनमेंट आज की क्लास में ही दे रही हूँ। आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि आप सब ने अपने कंप्यूटर्स पे वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल वीएमवेयर की वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है और उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके मैम, पहली असाइनमेंट मैंने आप लोगों की क्रिएट कर दी है। माय एलएमएस पे भी जाके मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप लोगों को बहुत आसानी से सब चीजें मिल जाएंगी। आप लोगों ने अपनी इंस्टॉल करनी है वीएमवेयर या वर्चुअल मशीन, हो जाएगी। मैम वर्चुअल मशीन्स तो काफी सारी है मैम, कौन कोई सी भी स्पेसिफिक कर, कोई है जो करनी है? वीएमवेयर कर लें, वर्चुअल बॉक्स कर लें, कोई सी भी आप कर लें, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके जो आपको कन्वीनियंट लग रही है आप उसको कर सकते हो। सही है। ओके अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज के ऊपर आते हैं। तो हम बात करते हैं कि मैंने आप लोगों से सबसे पहली चीज पूछ ली कि आप वर्चुअल मशीन और वर्चुअल सिस्टम्स के साथ काम करेंगे और उसमें आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। ये आप मुझे बता सकते हो कि वर्चुअल मशीन में क्यों आपसे इंस्टॉल करवा रही हूँ? Why do we need virtual machine? Anyone? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बिकॉज हमारा सब्जेक्ट मैम वर्चुअल सिस्टम और सर्विसेज से रिलेटेड है, इसलिए मैम। इसलिए करवा रही हूँ। और कोई चीज़? मैम आई गेस कि हम एट टाइम दो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करने के लिए। दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूअल बूट का पता है? ड्यूअल मोड, ड्यूअल बूट, ड्यूअल मैम बूट। ड्यूअल मोड में डबल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आप कर रही हैं? हाँ, कैसे करते हैं वो, किस तरह नहीं मैं होती आपको है समझा वो? नहीं, एक वर्चुअली आपने कहा है उस तरह, या एक सीक्वेंस वाइज भी होता है? जैसे एक दौर में आप विंडोज के लिए आप अलहदा यूज करते थे, हाँ इस तरह का कुछ था पहले। ठीक है, और क्या करते थे उसको फिर? मैम दो होते हैं, अगर आप अगर ड्यूअल मोड तो इस तरह से है ना कि आप दो विंडोज हैं आपके पास, दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एट ए टाइम आप हाँ एक इस उसको यूज कर सकते हैं। ठीक और है। दूसरा ये है कि आपने कोई वर्चुअल, जैसे आप कह रही हैं कोई भी कॉइन ऑफ सॉफ्टवेयर आप लें और उसमें आप ठीक दूसरा है क्या कहते हैं एट ए टाइम, आप आपके पास एक अलग विंडो पॉप अप होगी, उसमें आप अलग क्या कहते हैं सेम टाइम आप क्या कहते हैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है। ये दो मोड्स हैं वैसे तो। ये दो मोड्स हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को वर्चुअल मशीन के बारे में थोड़ी सी और एक गाइडेंस दूं। आप लोग अभी गूगल ड्राइव यूज करते हो? यस मैम, गूगल ड्राइव यस यूज मैम, कर रहे हो ना? सब लोग यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही सब हूँ। यूज कर।
तकरीबन आप अपने गोल्ड कैंपस में 3,500-4,000 स्टूडेंट्स को जाके पूछेंगे तो वो सब कहेंगे कि हाँ हमने गूगल ड्राइव यूज की है, सब कर रहे हैं ना? यस मैम, सारे यूज करते हैं, सारे यूज करते हैं। अच्छा, गूगल ड्राइव पे आपने जब इसको यूज किया है तो आप लोगों को ये भी चीज महसूस हुई होगी कि जिस वक्त ये चीजें काम करती हैं गूगल ड्राइव पे, आप लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलता है, आप अपने फोल्डर्स भी बना सकते हो। सब लोगों के पास है ना फोल्डर्स भी और गूगल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता। मैं विंडोज के ऊपर काम कर रही हूँ तो ये भी इसी तरह अवेलेबल है। और सिक्योरिटी भी अवेलेबल है मैम, ये भी काइंड ऑफ वर्चुअल ही हो गई। एग्जैक्टली, ये भी काइंड ऑफ वर्चुअल हो गई। आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आप लोगों के पास एक सोर्स ऑफ मीडियम है। आप उस मीडियम के जरिए क्या करते हो, अपने लिए कोई स्टोरेज स्पेस जो है वो एक्सेस कर लेते हो। बिल्कुल मैम, आपकी बात वैसे जो मैं समझना चाह रहा हूँ आप कि यानी आपने वर्चुअली एक आपने अलग चीज जो है वो परचेज की, जैसे वर्चुअल सर्वर लोग यूज करते हैं। जी, वर्चुअल सर्वर यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वर्डप्रेस पे किसी ने काम किया हो? वर्डप्रेस पे काम किया हुआ किसी ने? नो मैम, मैंने वैसे बेसिकली मैम थोड़ा बहुत बस किया हुआ है, मैंने किया मैम। किया हुआ है, क्या होता है उसमें? आप वेब पे ऊपर, वेब के ऊपर आपको पैनल्स मिल जाते हैं, एक छोटी मोटी इंस्टॉलेशन आप अपने कंप्यूटर पे कर लेते हो और जो भी चेंजिंग्स करते हो वो सारी की सारी आपको सर्वर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आ रही होती हैं। यस मैम, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो ये आप क्या कर रहे हो इसमें, आपके पास वर्चुअल सिस्टम जो है वो यूज हो जाएंगे? वर्चुअल सिस्टम्स यूज होंगे ना? यस मैम। अच्छा, अभी आप क्या कह रहे हो, गूगल ड्राइव को जब आप यूज करते हो तो क्या आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद है? नो मैम, नहीं है ना मौजूद। अगर कोई फाइल, अगर कोई फाइल आपने कॉपी करनी है और गूगल ड्राइव के ऊपर, इस तरह का एक सिनेरियो बना लें कि मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, सिनेरियो को गौर से आपने देखना है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, सही है? इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का साइज मेरे पास है इस वक्त 1 GB, ऐसा है? 1 GB हार्ड डिस्क का साइज ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। जब मैं 1 GB की हार्ड डिस्क ले सकती हूँ तो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मैं इसको 4 GB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर लूँ? बिल्कुल। क्या मेरे पास ये 4 GB का डेटा इस 1 GB के कंप्यूटर में आ सकता है? अगर आप कनेक्ट किसको करेंगे तो जाहिर बात है। नहीं, मैं कॉपी करने की बात कर रही हूँ, मैं कॉपी करके इसको सेव करने की बात कर रही हूँ। मैंने इसको सिक्योर पर्पस के लिए रखना है, नहीं कर सकती ना, मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इसका कोई सलूशन मुझे दे सकते हैं? यस मैम, आप वर्चुअल मेमोरी बाय कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, बहुत सारी कंपनीज हैं। क्लाउड पे जाती हूँ, ठीक है, क्लाउड पे जाती हूँ, इस सिस्टम को यूज करके, ये वाला सिस्टम जो फिजिकली मेरे पास है, इस सिस्टम को यूज करके ये 4 GB डाटा इससे कनेक्ट करूंगी, इसके बाद इस सिस्टम के जरिए मैं इसको 4 GB को किसी भी क्लाउड पे या गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ये काम हो सकता है? जी बिल्कुल मैम, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। अच्छा, अब सेम थिंग हैपेंड, क्या मेरे पास अगर 1 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है और प्रोसेसर मेरे पास, मैं कह सकती हूँ कि लेट सपोज मैंने Pentium 1 यूज किया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल ले रही हूँ, एक P1 का नाम तो सबने सुना होगा ना? जी मैम। अब मैंने इस 4 GB डाटा को प्रोसेस करना है,
क्या करूं? सॉरी मैम, आपका वो समझ लगी थी, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। मैंने ये कहा है, मैंने 4 GB डाटा को प्रोसेस करना है। ये मेरे पास ना साइंटिफिक डाटा है, मैंने कुछ डाटा इस तरह का रखा हुआ है कि मैंने इसके ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगानी है इस पे। क्या करूंगी? मेरा ये सिस्टम इतना P1 मुझे सपोर्ट नहीं करता कि मैं 4 GB डाटा को प्रोसेस कर सकूं। सही, क्या तो करना चाहिए मुझे? क्या मैं सर्वर के ऊपर ले जाके या क्लाउड के ऊपर ले जाके इस डाटा को प्रोसेस करवा सकती हूँ? मैं इनसे कहती हूँ कि मुझे एक मशीन दे दो उधार, मैंने अपना डाटा प्रोसेस करना है, उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम अप्लाई करना है। ओके? यस मैम। ये काम तो कर सकती हूँ ना। अब ये मशीन जब मुझे मिलेगी जिसके ऊपर मैंने काम करना है, तो क्या ये फिजिकली मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है? नहीं मैम। कि क्या है? वर्चुअल मशीन है। ओके? जी ठीक हो गया ये यहां तक? यस मैम। तो यहाँ पे इधर क्लाउड पे बहुत सारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हैं, सही है? अब जब क्लाउड के ऊपर बहुत सारी ये डेटा सेंटर में बहुत सारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हैं, और आप लोग पे करते हो, पे करके इस वर्चुअल मशीन को रेंट ले पे ले लेते हो, अपना काम करते हो, जितना जरूरत रहती है उसके ऊपर काम करते हो, और उसके बाद काम आपका खत्म हो जाता है। इज दैट नाइस? गुड इनफ? इस प्रॉब्लम में या ये चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक क्लियर ना हुई हो जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है? Yes, boys. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब सो रहे हैं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और फिर मैं मीटिंग को ना क्लोज करती हूँ, और मैं 2 लोगों की प्रेजेंट मार्क करूंगी, और नो मैम, केयर दैट वुड बी गुड इनफ। नींद से जाग रहे हैं और उसके बाद को ये बीच में से आवाज मैम, दे दे पहला दिन है ना, रहे असल में पहला दिन है आज, मैं भी रात से जाग लूं कि सुबह लेक्चर लेने। अच्छा, रात से इसलिए जाग रहे हैं कि सुबह लेक्चर लेने? यस वाओ, मैम। ग्रेट। रात को क्या पढ़ा फिर आपने? मैंने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं मैम। क्या कुछ भी नहीं पढ़ना था पढ़ा? अभी? आप नहीं पढ़... अच्छा चलिए, हम पढ़ेंगे नाम सारा कुछ। तो यहाँ तक की चीजें हम लोगों के पास क्लियर हो गई। मैंने अभी कोई स्लाइड नहीं बताई, मैंने सिर्फ आप लोगों को वो चीजें बताई हैं जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप डेली रूटीन के अंदर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अगर यूज नहीं कर रहे तो नाम जरूर सुन रहे हैं। बिल्कुल मैम। जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्लाइड को ओपन करें, थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं। क्या है वर्चुअलाइजेशन? रीड करें और मुझे बताएं। हरियप हरियप, मुझे रीड करके बताएं ये। मैम, ये सब वो ये जो अभी अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया। अच्छा, आज फीमेल्स की भी आवाजें आने लगी। चले सम्या, दिस इज नाइस कि कम से कम कोई एक तो जागी, वरना मैं तो समझ रही थी कि शायद इस क्लास में फीमेल्स है ही नहीं। हाँ जी सम्या, बताएं। सम्या ही थी ना? यस मैम। हाँ जी बताएं, क्या बात की है आपने?
मैम जैसे आपने कहा कि फिजिकल पाथ से नहीं, हम लोग लॉजिकल पाथ से दो तो मशीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं हाँ सॉफ्टवेयर, और फिर उससे मतलब लाइक कंबाइन कर लें, जैसे अभी आपने बताया, तो उसे वर्चुअल सिस्टम कहते हैं, बजाय इसके कि हम एक सिस्टम से काम लें। एक सिस्टम से काम ले। अच्छा, इसके लिए ना आपको सबसे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास नॉर्मली कोई मीडियम जरूर होता है जिससे आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे होते हो। वो आपका लैपटॉप हो सकता है, यस कुछ मैम, छोटी मोटी आपकी डिवाइस हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता मेन है। मीडियम तो वैसे मैम इंटरनेट ही इसमें है, क्योंकि बगैर इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते इस चीज को. इंटरनेट के बगैर भी एक्सेस नहीं कर सकते, और ये चीज़ें आप लोगों के पास यस अवेलेबल होंगी कि आपने अपने सिस्टम को इस तरह से लेके चलना है कि छोटा मोटा कोई डेड टर्मिनल जिसको आप बोलते हो कि आपने सिर्फ इनपुट देनी है, आउटपुट लेनी है, इतनी प्रोसेसिंग आपके टर्मिनल के ऊपर होनी चाहिए, या आपके लैपटॉप, आपके प्रोसेसर, आपकी कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका कोई पीडीए, आपका कोई सेंसर, उसमें इतनी कैपेसिटी और इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इनपुट दे और इनपुट रिसीव कर ले, आउटपुट रिसीव कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेलेंट हो जाएगा कि भी वर्चुअलाइजेशन में आपने इन चीजों के मगर साथ मैम काम करना वैसे है। बेसिकली ये डिपेंड मेरे ख्याल से कि जैसे मेरा ओपिनियन कि उस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वर्चुअलाइजेशन आपके इंटरनेट पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ इंटरनेट, बजाय इसके कि आपका कोई सारे पीसी बच्चे पे. देखो, नहीं, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड जरूर करती है। ठीक है, आपका मोबाइल इस वक्त, आप मुझे ये बताओ कि आप सब लोगों ने लास्ट ईयर ना एक बहुत कॉमन हुई थी एप्लीकेशन जिसमें आपने फेस ऐप को देखा था, सब लोग अपनी तस्वीरें लेते थे, अपलोड करते थे, और उसके बाद आपकी तस्वीरें अपलोड होने के बाद आपको ये बता देती थी कि आप बूढ़े होके कैसे देखेंगे। हुई थी ना, पब्लिक हुई थी, काफी कॉमन हुई थी, हर एक के वेब व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी थी, डीपी पे भी थी, बच्चों ने भी लगाई हुई थी, यस मैम, फेस ऐप यूज की थी बिल्कुल ना, अच्छी तरह याद है मैम. अच्छी तरह याद, और सबने की यस होंगी। बहुत ज्यादा क्रूशली उस टाइम पे ना लोगों को क्रेज हुआ हुआ था कि हम 40 इयर्स में कैसे लगेंगे और 50 इयर्स में कैसे लगेंगे। दो के उस टाइम पे शायद कहा ये जा रहा था, कॉन्स्पिरेसी है, हम डायरेक्टली तो ये बात नहीं बोल सकते, या कंपनी के बारे में कोई इस तरह की चीज़ नहीं कह सकते कि उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब ये फेस एप्लीकेशन लॉन्च करके ना लोगों की तस्वीरों के जरिए डाटा इकट्ठा कर लिया। मिलियंस ऑफ पीपल मेड देयर अकाउंट और उसमें अपनी पिक्चर्स अपलोड की, और अपलोड करने के बाद प्रोसेस हुई है, प्रोसेस होके ये दिखा दिया कि भी आपके आप बूढ़े होके किस तरह के दिखेंगे। आइडिया हुआ है कुछ? तो हम यहाँ से किस पॉइंट के ऊपर जाना चाह रहे थे, मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि आप क्या करते थे, आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे अपनी तस्वीर लेते थे। ठीक है, कैमरा ऑन करके आपने पिक्चर ली, पिक्चर लेके उसको आपने अपलोड किया, अपलोड होने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग होती थी, वो प्रोसेसिंग एक्चुअली आपकी किसी सर्वर पे हो रही होती थी, और प्रोसेस करने के बाद आपको आपकी पिक्चर दिखा दी जाती थी कि ये आपकी पिक्चर है, और आप बूढ़े होके या आप इस एज में बचपन में या आफ्टर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स किस तरह की शक्ल आपके पास आपकी दिखाई देगी। तो क्या वो एल्गोरिदम जो इतनी सारी फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा था, आंखों को भी आंखों पे झुर्रियां लेके आ रहा है, या आंखों को स्ट्रेट कर रहा है, या कम्प्लेक्शन को डार्क कर रहा है, या कम्प्लेक्शन को के ऊपर काम कर रहा है, नोज की एडजस्टमेंट उसी तरह से हो रही है, बालों की एडजस्टमेंट उसी तरह से हो रही है, क्या आप समझ सकते हैं कि आप अपने मोबाइल्स के ऊपर इतना हैवी एल्गोरिदम रन कर सकते हैं? जी, क्या कोई कर सकता है इस तरह से रन? नो नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें आपके पास जो है ना, इंटरनेट मीडियम आपके पास होना है, और क्या चीज होगी, कोई भी टर्मिनल जिसके जरिए आप इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। ये तो वैसे मैम वैसे छोटी सी चीज आपने बताई है मेरे ख्याल से कि किसी एक पिक्चर के ऊपर आप इस तरह से एल्गोरिथम वगैरह, जैसे मे भी हो सकता है कि ना हो, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मोबाइल में एप्स बन सकती हैं. इसकी बेसिक हाँ इन्फो जो आप एग्जांपल अगर देना चाहें तो वो गूगल ने लॉन्च किया है मेरे ख्याल से, मेरा नया नाम जेन से निकल गया उसका, कि गेमिंग के लिए ही है ये पर्पस, गेमिंग के लिए, क्योंकि आजकल जैसे आप देखते हैं गेमिंग पीसीज यानी कम से कम भी 2 से 3 लाख का पीसी है है गेमिंग के एग्जैक्टली लिए. एग्जैक्टली ऐसे ही है है,
उन्होंने अब लॉन्च की है 2022 में करनी थी, अब 21 में ही जनवरी में लॉन्च हुई है इनके, मैं आपको बाद में कंफर्म करके बता दूंगा। तो हाँ उसमें यह है क्लाउड कंप्यूटिंग का ही थ्रू उन्होंने किया कि आपके पास सिर्फ एक मीडियम हो पीसी जैसा मर्जी हो, यानी कि उस पे कोई आपको ना ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, ना कोई इतनी ज्यादा रैम की जरूरत है, ना आपके पास हार्ड डिस्क की जरूरत है, बस आप उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलता हो, और आपने उसके जरिए गूगल से आप एक्सेस कनेक्ट कर होना है, सकते हैं। गूगल एग्जैक्टली से ऐसे ही कनेक्ट है। होना है, और आपने जो जो वर्ल्ड की फेमस जो गेम्स चल रही हैं अपने पीसी पे आप वो एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही वो है, चल बिल्कुल उसी ऐसा सर्वर पे है रही होगी। हाँ ये, इसी तरह से है। मैं आपको एग्जांपल, ये छोटी सी एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, सबने यूज की हुई है। सही। ठीक है, आप लोगों के गेम्स का हो सकता है इंटरेस्ट कुछ लोगों को हो, कुछ लोगों को ना हो, कुछ लोग बिल्कुल पसंद ना करते हो, कुछ लोग बिल्कुल क्रेजी हो, लेकिन ये इस तरह की चीज थी जो तकरीबन आप जैसे कह रहे हैं कि घर में बैठे हुए ना, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने मोबाइल का क्रेज नहीं है, उसने भी शायद पे फोटो लेके ना अपलोड जरूर कर दी थी एक बार। ठीक है, अच्छा, इस सारी सिचुएशन में हम तीन चीज़ों की बात कर चुके कि हमारे पास वो मशीन्स जो वर्चुअली अवेलेबल होंगी, फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगी, मगर हम उन्हें एक्सेस करेंगे थ्रू एनी टर्मिनल। वो टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, वो पीसी हो सकता है, वो सेंसर्स हो सकते हैं, वो आपकी मोबाइल्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके ग्लासेस हो सकते हैं, वो आपके कोई इस तरह के ग्लूकोमीटर या आपकी कोई मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो इनपुट और आउटपुट रिसीव और टेक करेंगे। ठीक है, सेंड रिसीव करेंगे। ओके, यस मैम। चलें, ये स्लाइड एक्सप्लेन करने की अब मजीद जरूरत है? स्लाइड को एक्सप्लेन की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन चाहिए स्लाइड पे? नो मैम, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर? क्लीन तो नहीं ना हुआ हैदर? सॉरी मैम। क्लीन तो नहीं ना हुआ? नो मैम, क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है? ठीक है, यस अच्छा, मैम। ठीक है। हाँ जी, ये आपको सिस्टम पिक्चर्स देख के क्या नजर आ रहा है? पिक्चर्स में क्या चीज पता चल रही है? मैम इसमें ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकली है वो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन कर रहे हैं, और हाँ, वर्चुअल में हम लोग मल्टीपल जो है वो कर सकते हैं यूज। ये आपके पास फिजिकल है, ये वो मशीन है जो आप लोग यूज करते हो। कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अभी, या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? मेरे सिस्टम पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, जूम नजर आ रहा है, एडोब पीडीएफ नजर आ रहा है, क्रोम नजर आ रहा है, वर्ड प्रेस नजर आ रहा है, ये सब चीजें मैंने इंस्टॉल की हुई है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम यस एक मैम। ही है नीचे मेरे पास, है ना, और उसके ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, हार्डवेयर है मेरे पास ये सारा। वर्चुअलाइज के अंदर क्या कर देंगे? हार्डवेयर है, एक वर्चुअल लेयर इंस्टॉल कर ली या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली, और उसके ऊपर आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए, सही? यस मैम। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है कि आप लोगों ने वर्चुअल मशीन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है। आप लोग करेंगे क्या कि जो जो कॉपी करते जाओगे ना, डाउनलोड की है और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशन की है तो दो एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसमें आप वर्ड की एक फाइल बना लेंगे सब। जी मैम। ठीक है, और उसके बाद अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर देंगे। मैम एक क्वेश्चन है जी मैम, जैसे आपने ये लेयर्स बनाई हुई है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी वर्चुअलाइजेशन लेयर है, तो जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है ये भी तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन हो रही होगी ना। ये हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। कुछ केसेस में ये वर्चुअल सिस्टम के ऊपर रन हो रही होगी, कुछ केसेस में ये डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर रन हो रही होगी। ठीक है, ये ओके डिटेल के अंदर हमने पढ़ना, ये दो टाइप्स हैं वर्चुअलाइजेशन की, एक आपकी ओके मैम। टाइप 1 कहलाती है, दूसरी आपकी टाइप 2 कहलाती है। हेलो, हाँ जी,
ठीक है, एक एक आपकी होस्टेड होस्टेड कहलाती है और दूसरी आपकी बेयर मेटल कहलाती है. इट्स अ ह्यूज टॉपिक, हम इसको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, श्योर मैम. ओके, अच्छा ये पिक्चर्स भी आप लोगों को क्लियर हो गई हैं. अब मुझे ये बताओ कि ये अगर आप रीड करो जो मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ, तो इसमें से आप लोगों को क्या समझ आ रही है? मुझे रीड करके सिर्फ ये बता दो, फिर हम दो एक चीजें और डिस्कस कर लेंगे. सबने रीड करना है. मैं किसी भी स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगी और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लूंगी, और जिसकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसकी एब्सेंट है आज. जगा लें सबको. एसवीएल्स मैम, वैसे पहला लेक्चर है, इसमें तो मैंने सुना था इंट्रोडक्शन ही होता है स्टूडेंट्स का. और तो मुझे इंट्रोडक्शन के लिए यही चाहिए ना कि कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है, कौन सा अटेंटिव नहीं है. दिस इज इंट्रोडक्शन. मुझे पता चलेगा ना पूरी क्लास में, पूरा सेमेस्टर किसने सोना है और किसने पढ़ना है. ठीक है या नहीं? यानी कि कैंपस ओपन नहीं होने वाला? कैंपस तो ओपन होना है, क्यों नहीं होना? जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आ गया तो फिर क्यों नहीं होगा? और आई फील के जिस तरह का आप लोगों का इस वक्त सेमेस्टर में आप लोगों की देख रही थी, तो आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर हुआ हुआ है, आप लोगों को शायद ऑफर है. और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? एक तो NSA है, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरा कौन सा है? हाँ, मुझे पता है, मैं आपको वर्चुअल पढ़ाने आई हूँ और मैं मुझे पता है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हुए हैं और आप लोगों को. मैम इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन. मैम ने देखा दिया मुझे मोबाइल कम्युनिकेशन. टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपके लेक्चर से अभी 10 मिनट पहले पता चला था कि आज मेरी कोई क्लास है, वो भी मैं जागा हुआ था रात से, मुझे टेक्स्ट आ गया सर. सारे क्या करना है जिंदगी में? कुछ नहीं मैम, सोने का सोच रहा था फिलहाल. अच्छा ठीक है ठीक है, पूरा सेमेस्टर सोना है आपने फिर? नहीं मैम, आपसे सीख के ऐसी कुछ वर्चुअल चीज बना लूंगा आगे आगे ऑनलाइन क्लासेस हो तो. हाँ, नींद नींद ना आए ना, हम ये काम करेंगे. जैसे वो VAs जैसे चल रहे हैं आजकल Amazon पे वर्चुअल असिस्टेंट्स, वैसे मैं कोई ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट अपना कोई बना लूंगा जो लेक्चर ले लेगा. ठीक है ठीक है, हाँ सोचा जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है. कोई अपना होलोग्राम जो है वो क्लास में भेज दिया करेंगे. डोंट वरी, सेमेस्टर जो है वो आप लोगों का कैंपस में ही होगा, परेशान नहीं होना. लेकिन उससे पहले आप लोग प्रिपेयर होंगे सारी चीजों के लिए. जी मुझे बताएंगे कि मैं इस स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसको जल्दी जल्दी रीड करें और सबको जगा के रीड करवाना है. कल मैंने आप लोगों का ना सिर्फ इस स्लाइड का क्विज लेना है, और हैवी किस्म का कॉन्सेप्चुअल. जी पढ़ लिया सबने स्लाइड को? स्लाइड रीड कर लिया सबने? यस मैम. क्या लिखा है इसमें? मैम इसमें इंट्रोडक्शन करवाया गया कि IBM ने मतलब 1950s में लार्ज स्केल मेनफ्रेम कंप्यूटर से जो कॉर्पोरेशंस और स्कूल्स वगैरह थे उनके एक्सेस के लिए डंप टर्मिनल्स बनाए गए थे जिनके थ्रू एक्सेस किया जा सकता था. इसमें ये था कि मतलब मैम जब एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो उसको सिंपली एक्सेस कर सकता था डिवाइस को जिसमें डाटा वगैरह होता था. तो जो हम सिंपली चीज आगे मैम डिस्कस कर रहे थे ये सेम कॉन्सेप्ट IBM ने तब इंट्रोड्यूस करवाया था.
ठीक है, इसके अलावा कोई और? इसके अलावा कोई और जिसने पढ़ा हो? जी दुरे नजफ का माइक ऑन है, दुरे नजफ बताएं आप। मैम रीड कर रही हूँ। अच्छा रीड कर रही हैं अभी। हरी अप मुझे बताएं जल्दी। मैम इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रोबस्ट टाइम शेयरिंग सॉल्यूशंस। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं काइंडली? इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले रीड कर लें सारा। जी किसी और की तरफ से कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताएं, आप सब लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है? हैदर? यस मैम। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में स्केड्यूलिंग पढ़ी हुई है? यस मैम। उसमें क्या होता है स्केड्यूलिंग में? मैम टाइम स्लाइसिंग होती है, हम टास्क को डिफरेंट टाइम स्लाइसेस में डिवाइड कर देते हैं कि एक टास्क इस टाइम में चलेगा, इसको इतनी बीट्स रिक्वायर्ड होंगी, उसके बाद नेक्स्ट टास्क आ जाएगा। इसके थ्रू टाइम स्लाइसिंग के थ्रू हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो क्या अगर मैंने एक मशीन के ऊपर 4-5 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है तो क्या होगा? सो मैम हम ये पॉसिबल होगा कि हम सब वर्चुअल मशीन्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क मल्टीपल रन कर सकते हैं मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मशीन तो नीचे एक ही है ना, प्रोसेसर एक ही है ना, प्रोसेसर को स्केड्यूलिंग चाहिए होगी? यस मैम। तो फिर आपके पास टाइम शेयरिंग नहीं हो रही? ओके मैम। क्लियर? आई गॉट माय आंसर। यू गॉट योर आंसर, यू आर वेलकम। यस मैम। ठीक है। अच्छा हम इस स्लाइड को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो देखना है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ। बेसिकली हुआ ये कि IBM ने ना अपने कंप्यूटर्स बनाए 1950s और 60s की बात है, सही है? और जब कंप्यूटर्स बनाए ना तो वो कंप्यूटर बना के स्टैंड जिसे कहते हैं ना सोल IBM के पास कंप्यूटर बने हुए पड़े थे और उन कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए बना के रख तो दिए लेकिन कंप्यूटर खुद IBM इतना ज्यादा उन्हें यूज नहीं कर रहा था। IBM खुद उन कंप्यूटर्स को इतना ज्यादा यूज ना करने की वजह से वो सिस्टम आइडल पड़े हुए थे, ठीक है? तो उस वक्त क्या किया गया? उस वक्त ये किया गया कि ना यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को, रिसर्च सेंटर्स को, कॉलेजेस को मुख्तलिफ लॉग इन अकाउंट जो है ना क्रिएट करके दे दिए और उन सिस्टम में लॉगिन जब अकाउंट क्रिएट किए, जैसे हम आज के दौर में करते हैं, हम यही करते हैं ना कि गूगल के पास अपना डाटा रख रहे हैं और गूगल ड्राइव पर से डाटा रिट्रीव कर रहे हैं और डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमने सेम पैटर्न के ऊपर एजम्पशन है हमारी कि हम IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर भी इसी तरह से डाटा को या प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवा रहे थे। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी आपके पास 1950s में। कंप्यूटर आपका बन गया है, उसको बनाने के बाद आपके पास बिल्कुल भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल रिसोर्सेज जो है उसके यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो ये काम क्या था हमारे पास? हम कहते हैं कि हम इसको यूटिलाइज करेंगे। डन। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों के पास अभी आप कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हो, क्या आप लोगों के कंप्यूटर्स की यूटिलाइजेशन है इस वक्त? कितने परसेंट यूटिलाइजेशन है? आपके प्रोसेसर्स कितने परसेंट यूटिलाइज हो रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं अपने प्रोसेसर्स की या अपने कंप्यूटर्स की यूटिलाइजेशन कितनी है? मोबाइल तो फिलहाल तो मोबाइल पे लेक्चर हो रहा है। अच्छा मोबाइल पे लेक्चर हो रहा है, तो कंप्यूटर्स तो है ना सबके पास, मुझे देख के बता देंगे।